कैसे हो सब? देख ही रहे होगे कि क्या चल रहा है आजकल। और इन चीजों में मैं घुसता भी नहीं कंट्रोवर्सी में, लेकिन बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे थे मेरे पास और किसी किसी के साथ जोड़ रहे थे नाम, तो फिर तो मेरे को बनानी पड़ेगी वीडियो। पहली बात तो ये, अब ये एथलीट्स के ऊपर आ गया, तो अब एथलीट्स एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर अब कब खड़े होंगे? और जिसकी रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही हो, एथलीट्स की वजह से चल रही हो, तो वो इतना पता नहीं कैसे बोल रहे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। और ना मेरे से ये बातें बनाई जाती, ना ये राजनीति राजनीति जो, और ये कोई पॉइंट वॉइंट पकड़ने वाली, ये सब मेरे से नहीं होता। मैं सीधा बोलूंगा आप लोगों को, ये मजाक बना रखा है कि तेल लगा के खड़ा हो जाना, ये सब लोग भूल जाते हैं कि लोगों को पता नहीं है इन लोगों को कि कितने साल लग जाते हैं खड़े होने में स्टेज पे। और अपनी जीत मेडल लाने की तो दूर की बात है, टॉप 10 टॉप 5 आने में इतनी ऐसी तैसी हो जाती है। देखो तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर इतना आसान है तेल लगा के चढ़ना चड्डी पहन के, तो भाई साहब आज तक टॉप 5 में क्यों नहीं आए, वो भी डिस्ट्रिक्ट में? इंटरनेशनल तो भाई इसके नहीं हो पाएगा इससे। और एक रीजन ये भी था ना बनाने का वीडियो, कि लोगों को लगता है कि व्यूज के लिए वीडियो बनाएगा ये। अगर व्यूज के लिए वीडियो बनानी होती तो मैं बहुत पहले बना लेता। जो राज फौजदार जो भी बंदा है, वो नाम भी नहीं पता मेरे को तो उसका, और उस हमारे जिम में एक बंदा आता है, उसके गांव का ही है, तो वो बता रहा था जो इसका फेस फेस की कह रहा था साइड इफेक्ट, वो इसके पहले से ही बचपन से ही वैसा है इसका फेस। पता नहीं क्या ज्ञान बांट रहे हैं आज के लोग। देख लो भाई, आपके सामने आपको कहाँ सपोर्ट करना है कहाँ सपोर्ट नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। और एथलीट लोग जो होते हैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलते हैं, इंडिया को प्राउड कराने के लिए, इंडिया के लिए मेडल लाने के लिए। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का जो घर का बिजनेस है, मैं उसमें घुस के पैसे कमा सकता था, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और पैसों से ही औकात नहीं पता चलती लोग की। रिस्पेक्ट नामक एक चीज होती है, उस पर ध्यान दो। तो रही वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है मनोज पाटिल वाली, तो उस चीज पे मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब पता नहीं पर्सनली, ना मेरे को पता, ना मैं मजा के देखा, ना मेरे सामने दिया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्या गलत दिया सही दिया, वो उनका मैटर है। और रही बात ये मेरे गेम की है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। और हम एथलीट जो स्टेज पे एक दूसरे के ओपोनेंट रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि स्टेज के बाद अलग अलग है, एक साथ है हम सारे। ये मैं अपने गेम के लिए बोल रहा हूँ सब कुछ, जो वीडियो बनाई है अपने गेम के लिए बनाई है, जिस वजह से मेरे को लोग जानते हैं, उस चीज की मैं डिसरेस्पेक्ट होने नहीं दूंगा। मैंने तो बस अपने 6 साल दिए हैं, जिनने अपनी पूरी लाइफ दी है उनको कितना गलत लग रहा होगा, मेरे को इतना गलत लगा ये सब सुन के। ऐसे कोई भी आता जाता कुछ भी भोग जाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। एक साथ है हम सारे, यूनिटी होनी चाहिए, नहीं तो कई आज ही आया है कल कोई और आके कुछ बोल देगा हमारे गेम के बारे में, मजाक बना रहे देंगे तो सारे, कोई सीरियस ही नहीं लेगा हमें फिर। और रही मनोज भाई की बात, तो बिल्कुल ही गलत स्टेप लिया जो उनने, सुसाइड वाला स्टेप लिया, बहुत ही ज्यादा गलत लिया। इतने सालों से सेक्रीफाइस करके तुम इतने पास आए हो अपने गोल के, और तुम एक किसी तीसरे बंदे के चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर लो, तो बहुत गलत है ये। मेरे को तो सपोर्ट मिल जाता है घर वालों का, जो बंदा बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से आया उठ के, और वो ऐसे बीच में अपनी जिंदगी खत्म कर दे, वो भी किसी, तो बहुत गलत चीज है ये। तुम इतनी आगे तक आए हो तो उसका ध्यान रखो यार। फैन होंगे जो उनका, जो उनकी इंस्पिरेशन जो मानते होंगे उसको, वो क्या उनपे क्या जाएगा इफेक्ट यार? और इस स्टेप की वजह से तुम्हारी फैमिली को दुख नहीं होता? पूरे जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए मेडल लाओ, ये सबका दिल दुखता। तो गेम के बारे में कोई फालतू नहीं सुनेगा भाई, ना मैं सुन सकता ना कोई एथलीट सुन सकता, और जो एथलीट सुन रहा है वो एथलीट है ही नहीं फिर। तो ठीक है, बस इतना ही कहना था मेरे को।